कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन हमारे यहाँ जल तो था ही नहीं, तो जीवन कैसे होता? हम लोग खुद को मरा हुआ समझते थे। गर्मी हो या ठंडी, प्रत्येक मौसम में हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे हैं। हमें उम्मीद भी नहीं था कि अपनी आंखों से पानी आता देखेंगे। पेयजल समस्या के समाधान को लेकर हर बार दावे किए गए, लेकिन किसी भी नेता ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ पानी पहुंचना सपना ही था, लेकिन देवी बनकर आई जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने गांव को पानी की सुविधा मुहैया करवाने के लिए कोशिश शुरू की, और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे यहाँ पीने का साफ पानी आ गया है। हाँ, बहुत बड़ी खुशी है, ऐसा खुशी तो जीवन में मिली है पहली। ठीक हुआ बहन जी, बहुत बढ़िया काम करी, जो न करे चाहिए। हम लोग बहुत पानी बड़े परेशान रहे, अब हो गया, चालू हो गया है, तब तो बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान उनको बनाए रहे, ऐसे अधिकारी बारम्बार हम लोगों को दर्शन है। आज पानी आ गया, आज खुशी आ गई, आज हम लोगों का जीवन एकदम अंदाज हो गया कि आज लोग हम लोग अब जी जाएंगे। दादा बाबा ने पानी बिना तड़प के मर गए थे। बहुत से नेता आए, बहुत से अधिकारी आए, वह शासन देकर चले गए, लेकिन किसी का बस का यहाँ पहाड़ पर पानी चढ़ाने का क्षमता नहीं था। लेकिन हमारे डीएम साहब ने आई और हमारे गांव में पानी ने चढ़ा दिए। असंभव था, लेकिन वो संभव करके गई। भगवान करे उनका भला रहे, वो और आगे ही पृथ्वी पर बढ़े, वो एक देवी के रूप में मिर्जापुर जिला में आ गई अधिकारी बन के हम लोगों के लिए। हमारे लोग के गांव में पानी आ गया है जिलाधिकारी के द्वारा। ऐसी जिलाधिकारी हमारे जिले में आ गई है, हमारे लोग के बीच में, हमारे ग्राम सभा के बीच में ये अधिकारी नहीं, एक देवी के रूप में आई है सर। यहाँ के जीवन आज 70 साल से बड़े कठिन परिश्रम से 1 किलोमीटर दूरी झरने से पहाड़ के नीचे से पानी जाते थे, और बहुत परेशानी सह के दिन बिता रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर ड्रमरगंज पहाड़ी पर स्थित लहुरिया द व भैसोड़ बलाय गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की यही पीड़ा है। दशकों से पीने का पानी यहाँ के वासिंदों के साथ सरकार के लिए भी बड़ी समस्या रहा है। यहाँ का जिक्र होते ही पथरीला इलाका, पानी की किल्लत और सिर पर मटकी लेकर पहाड़ी झरने से महिलाओं बच्चों का पानी भरने का ये दृश्य जेहन में घूमने लगता था। यही नहीं, लालगंज तहसील के लहुरिया द, भैसोड़ बलाय और कटरा गांव में पेयजल संकट की त्रासदी से युवाओं के सामने शादी करना एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ गांव में बरसों से पीने को मीठा पानी कोरा सपना ही रहा, लेकिन सालों का इंतजार आखिर अब जाकर खत्म हुआ। देखिए, योजनाएं हमारी सरकार की सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू हैं, परंतु जो लोकल स्तर पे जो समस्याएं हैं उसको लोकल लोग ही हल निकाल सकते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो। तो यहाँ पे सोच ये थी कि दशकों से यहाँ पे पानी की किल्लत थी, पानी नहीं पहुँच पा रहा था, लोग एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करते थे गर्मियों में। तो उसी योजना को बाकी योजनाओं के साथ जोड़ के किस प्रकार से यहाँ पानी पहुँचाया जा सके, यही हमारी सोच थी। और माता का आशीर्वाद है कि वो सोच सफल हुई, वो प्रयास सफल हुआ, और आज यहाँ पे इतने समय के बाद नल लग गए, पानी आ गया और हर एक घर में जो है यहाँ पे नल लगा है। तो अब किसी को पानी के लिए नहीं संघर्ष करना पड़ेगा। तो इतनी जो अच्छी योजना थी उसको धरातल पे आज यहाँ पे उतारने के बाद हम लोग बहुत गर्व से कह सकते हैं कि अब ये इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम होगी और एक उत्तम प्रदेश और उत्तम देश बनने की ओर हम लोग और अग्रसर होंगे।